Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आपका स्वागत है कर्मायुर्वेदा के YouTube चैनल पर। मैं निखिल शर्मा फिर से लाया हूँ किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। आप कर्मायुर्वेदा के YouTube चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसे कौन से प्रोटीन वाले फूड आइटम्स हैं जो डायलिसिस के पेशेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। किडनी बॉडी के लिए फिल्ट्रेशन का काम करती है। ये वाई या यूरिन बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, पर जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती तो डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे लगभग हर डायबिटिक किडनी पेशेंट को गुजरना पड़ता है। डायलिसिस बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। डायबिटीज एक ग्लोबल हेल्थ इशू है। ये या तो जेनेटिक होता है या किसी हेल्थ इशू से अचानक हो जाता है। इसका प्राइम कॉज है स्ट्रेस और टेंशन। डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर को रेगुलर कंसल्ट करना चाहिए। अगर ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट ना किया जाए तो कई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स और किडनी फेलियर भी। डायलिसिस के बाद कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसके कारण पेशेंट्स को हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि नींद ना आना, जॉइंट्स और बॉडी में पेन, मेंटल स्ट्रेस होना, टायर्ड रहना आदि। डायलिसिस के पेशेंट्स को डेली 8 से 10 औंस प्रोटीन कंज्यूम करने की सलाह दी जाती है। अब आपको कुछ ऐसे प्रोटीन रिच फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे जिनको डायलिसिस के पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, डायलिसिस के पेशेंट्स चिकन कंज्यूम कर सकते हैं, पर ज़रूरी है कि आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करें, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन किडनी पर प्रेशर डाल सकता है। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हैं तो कोशिश करें आप फ्रेश चिकन खाएं और रोस्टेड चिकन अवॉइड करें, क्योंकि इसमें हाई सोडियम और फॉस्फोरस होता है। सेकंड है, डायलिसिस के पेशेंट पनीर कंज्यूम कर सकते हैं। पनीर यानी कि कॉटेज चीज़ पोटेशियम में लो होता है। इसको लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये सोडियम में हाई होता है। थर्ड है, एग वाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो किडनी के लिए अच्छा होता है। डायलिसिस वाले पेशेंट्स को डॉक्टर्स एग वाइट्स खाने को कहते हैं। अगर आप डायलिसिस पेशेंट हैं तो फूड डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं। फोर्थ है, डायलिसिस पेशेंट फिश भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है। इसमें पेशेंट्स सैल्मन, मैकरल और रेनबो ट्राउट खा सकते हैं। लास्टली, ऐसे पेशेंट्स दही खाएं। दही को मीट की जगह पे खा सकते हैं। एक कप कर्ड यानी कि दही में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक्सेसिव प्रोटीन मना है तो आप इसकी कंजप्शन के लिए डॉक्टर की एडवाइस लें। तो यह थी डायलिसिस पेशेंट्स के लिए प्रोटीन फूड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। अगर आप या आपका अपना कोई इस बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आप कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी सब्सक्राइब करें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।